किस्सा भी होगा सेठ ताराचंद का, और मौका हवाला वहां से होगा कि जब सेठ ताराचंद धर्म के कार्य करना बंद कर देते हैं, गौशाला खुलवा रखी थी उन गौशालाओं को बंद कर देते हैं, तो जैसे ही गौशाला बंद करी, धर्म के कार्य करना बंद किए, तो उधर से दूसरी तरफ एक चिट्ठी आ जाती है परदेशों से। परदेशों में व्यापार चल रहा था, उसमें भी नुकसान हो गया। क्या क्या नुकसान होता है सेठ ताराचंद का, सुनते हैं इस रागनी के माध्यम से दादा लक्ष्मीचंद जी ने क्या बताया। हे रे परदेसा ते चिट्ठी आई, ये ब्योत बिगड़ गया से का दोष नहीं सर करड़ाई का फेरा, फोड़ देती है। अपने छोटे भाई हरि राम के कहने पर सारे धर्म के कार्य करना बंद कर देते हैं। और आपने देखा भी होगा, जो भी दान पुण्य के कार्यक्रम करता है वो ही हमेशा शिखर पे चढ़ता है, और जो दान देने में नीत नहीं रखता उसके घर में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता, उसके घर में कभी भी बरकत नहीं होती। धर्म के कार्य करना बंद किया तो दूसरी तरफ क्या क्या नुकसान हुए, क्या बताया दादा ने। फिर जल पीवन का दुख दुनिया ने, जल पीवण का दुख दुनिया ने, चुगे का मोरा ने।
थे, जितने भी गोती नाती थे सेठ ताराचंद के, सब सो सो ताने देने लगे। कहते ना, जब समय खराब होता है तो अपने भी पराये बन जाते हैं। अगर किसी के पास दो पैसा अच्छा हो तो पराये भी अपने बन जाएंगे, लेकिन अगर किसी के पास टोटा आ जाए तो अपने भाई भी किनारा कर जाते हैं। धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, समय पे परखी जा से सारी। ये कहते हैं कि मैं वफादार हूँ, दोस्त कहता है कि यार मैं तेरा दोस्त हूँ और जब तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी तो सबसे आगे मैं खड़ा मिलूंगा। दोस्त का भी पता समय पे पता चलता है कि हाँ कितना वफादार है कितना नहीं। एक औरत जो सात फेरे लेकर अपने पति के घर में आती है, उस औरत का भी पता गरीबी में चलता है कि हाँ वफादार है या नहीं। किस तरह से कहा कि ये समय खिलाए खेल ये मनुष्य रोता है, कि समय खिलाए खेल ये मनुष्य रोता है, और इस नर से बड़ा बलवान ये समय होता है। ये समय कभी बताकर नहीं आता कि कब किसका समय अच्छा आएगा और कब किसका बुरा समय आएगा। किस तरह से गोती नाती ताना देने लगे और सेठ ताराचंद सिर पकड़कर बैठ गए। क्या बताया, हे रथी बनिए की, हे रथी बनिए की जात चोटने पेट पकड़ के खेले।